हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है जीके इन 2 मिनट्स में। आज मैं आपके लिए शीर्षक लाया हूँ, झांसी की रानी। बचपन से ही हमने और आपने सुना था, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनका पूरा नाम रानी लक्ष्मीबाई था और बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था। प्रेम से लोग इन्हें मनु भी कहकर बुलाते थे। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था, पिता का नाम मोरोपन तांबे था। इनकी शादी 19 मई 1842 को हुआ। पति गंगाधर राव नेवलकर थे। संतान की बात जहां तक आती है, तीन के दत्तक पुत्र थे दो, आनंद राव और दामोदर राव, यानी गोद लिया हुआ पुत्र। इनके कार्यकलाप के बारे में जानेंगे तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी लोग जानते हैं, उनमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनकी मृत्यु 18 जून 1858 को कोटा की सराय मध्य प्रदेश नामक स्थान में हुआ। वीरांगना लक्ष्मीबाई का शौक घुड़सवारी और तलवारबाजी का बचपन से ही रहा था। इनके बचपन के दोस्त नाना साहेब और तात्या टोपे थे। 10 मई 1857 को मेरठ से जब क्रांति की चिंगारी भर की, जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस माना जाता रहा है, लेकिन इसकी आधारशिला लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने रख दिया था, राज्य हड़प नीति, यानी जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी न हो उसका राज्य कंपनी के अधीन चला जाता था। 22 वर्ष में इन्होंने सत्ता संभाली जब आयु अपरिपक्व ही रही थी। 23 मार्च 1858 को हीरोज ने झांसी का घेराव किया। 24 मार्च को जबरदस्त बमबारी हुई। 22 मई को कालपी पर हमला हुआ और 16 जून मोरार पर भी कब्जा कर लिया गया। 17 जून कोटा की सराय में वह स्वर्णिम अक्षरों से बलिदान की एक वेदी तैयार की गई और वहीं वीरांगना लक्ष्मीबाई का कहानी की यह लीला समाप्त हुई। ऐसी थी हमारी वीरांगना, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिए और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। धन्य है झांसी की रानी। फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए क्लेवर और तेवर के साथ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और एक सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।